दोस्तों जो खबर निकल के आई है वो काफी खराब है। एयरटेल वोडाफोन आइडिया ने काफी परेशान कर दिया है जियो को और मुकेश अंबानी जी को काफी समस्या हो रही है। ये नई वाली समस्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं सारे अदर कंपनीज और यहां पर जियो को काफी गहरा अफेक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ इस घंटी के निशान को दबाइए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के फौरन लुफ्त उठाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला, करता हूं आपका स्वागत इस नए वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए। दोस्तों ये जो खबर आई है ये निकल के आई है दो दिन पहले, यहां पर एयरटेल की ओर से कुछ जो ऑफिसर्स हैं, कुछ जो कर्मचारी हैं वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने कई सारे झूठे एलिगेशंस जियो के खिलाफ। यहां पर वो एलिगेशंस जो है वो झूठे ही नहीं दोस्तों, पर वो बेतथ्य है, मतलब कि उनका कोई बेस नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों उसकी सुनवाई हो रही है, यहां पर जियो को काफी ज्यादा समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है और पूरी जो जियो की कंपनी है उसके स्ट्रक्चर पर इसका असर पड़ रहा है। दोस्तों मैथ्यू उमेन जो कि जियो के लीडर है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर सामने वाले कंपनी के पास पुराने सिस्टम की टेक्नोलॉजी है, पुराने सिस्टम का बिजनेस मॉडल है और पुराना सोच है, तो वो डेफिनेटली बिजनेस में अपने काफी ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और जो सामने प्राइस निकल के आएगी वो महंगी होगी। पर जियो में ऐसा नहीं होता, जियो में इसी वजह से चूंकि हम सब नई टेक्निक पे काम करते हैं इसी वजह से हमारी प्राइस काफी सस्ती है। दोस्तों यहां पर एयरटेल का साफ तौर पर यह कहना है करीब करीब 40,000 नौकरी 2017 तक खत्म हो चुकी है एयरटेल में, क्योंकि जियो आ गया है, जियो ज्यादा चल रहा है, इसलिए एयरटेल की थोड़ी सी मंदी आई है बाजार में, उसकी वजह से एयरटेल की 40,000 लोगों की नौकरी चली गई है। ये वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहा है कितनी लोगों की नौकरी गई, क्योंकि उनका दाम लो है और इसी वजह से उनका ज्यादा चल रहा है। दोस्तों एयरटेल ये नहीं देख रहा है कि अगर यहां पर 40,000 लोगों की नौकरी गई है, देश को नुकसान हो रहा है, 40,000 नौकरी गई है, तो दोस्तों जियो में कितनी नौकरी आई है, करीब करीब 40 से 50,000 दोस्तों नौकरियां जियो में ऑफिशियली आई हैं। और उसके अलावा बात करें तो कई सारे जियो के डिजिटल स्टोर्स खुले ऑल ओवर द कंट्री, वहां पर लोग फ्रेंचाइजी लेके काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर काफी अच्छा साधन हो गया है जियो की ओर से हमारे लिए पैसे कमाने का। दोस्तों यहां पर एयरटेल साथ में ये भी कह रहा है कि काफी उनका नुकसान हुआ है टर्नओवर में, 306 करोड़ रुपए जहां उनका प्रॉफिट हुआ है वहां पर उनको होना चाहिए था 504 करोड़ रुपीज का पिछले साल, तो वो कह रहे हैं कि 39% तक घाटा हुआ है हमारी कंपनी को। तो दोस्तों साफ तौर पर अगर कोई कंपटीटर आपसे आगे बढ़ता है तो आपको घाटा ही होगा। यहां पर एयरटेल के पास दोस्तों कोई भी ठोस तथ्य नहीं है जिनके खिलाफ वो जियो को परेशान कर सके, फिर भी वो परेशान किए जा रहा है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ट्राई में उन्होंने कंप्लेन की थी, इंटरकनेक्शन की समस्या तोड़ दी थी, लेकिन वहां पर ट्राई ने दोस्तों जियो को दिया था कि हाँ जियो सही कर रहा है, आईयूसी का रेट काफी कम कर दिया था, जियो को वहां पर एडवांटेज दिया था। फिर ये लोग पहुंच गए थे सीओएआई के पास, पर दोस्तों वहां पर भी जियो को जीत मिली क्योंकि जियो के पास था जनता जनाधन, जनता का सपोर्ट जियो के साथ था दोस्तों, तो सीओएआई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया एलिगेशंस के खिलाफ जो कि एयरटेल वगैरह ने दिया था। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एयरटेल या वोडाफोन या आइडिया का सिम चला रहे हैं और उसमें इंटरनेट चला रहे हैं, आपके पास जियो का अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा है, फिर भी दोस्तों आप बेनिफिट में है केवल और केवल जियो की मदद से, क्योंकि दोस्तों जियो ने सबसे पहले सबसे सस्ते इंटरनेट प्लान ले आए, इसलिए बाकी सारी जो कंपनियां हैं उनको भी अपना रेट घटाना पड़ा और उसकी वजह से सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं काफी कम कीमत में तेज इंटरनेट, तो सारी जो क्रेडिट है वो जाती है जियो को दोस्तों। तो जियो को आप फिर से उतना ही प्यार दिखाइए कि जान सके सुप्रीम कोर्ट या फिर पूरी जितनी ये कंपनी से कि जियो के साथ पूरे इंडिया की जनता है। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, बस आपको एक लाइक करना है और आपको दिखाना है कि आप कितना पावरफुल इमोशन रखते हैं जियो के लिए। तो दोस्तों बस लाइक का बटन जो है नीचे उसको फोड़ दीजिए, मेरे बस में होता मैं 2000 लाइक अपने से करता लेकिन मेरे बस में है नहीं, आपके बस में है दोस्तों, लाइक जरूर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी रेगुलर अपडेट्स लाता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही, चलता हूं, बाय।